आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लारावेल में किसी भी सीएसवी फाइल के डेटा को इजीली रीड कर सकते हैं कुछ ही स्टेप्स में, ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं है। आई होप कि आपको जो है स्टेप्स काफी पसंद आएंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस चीजें ही शेयर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइस, तो ये मेरी एक आपको सीएसवी फाइल दिखाई दे रही है users.csv, जिसमें कुछ यूजर्स का डेटा आपको दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पर। अगर मैं इसे एक्सेल में ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है गाइस, तो ये देख सकते हैं सेम डेटा है। मैं बस दिखाना चाहता था कि ये सीएसवी फाइल ही है मेरी और कोई फाइल नहीं है। ठीक है, एंड देन गाइस, ये जो मेरी users.csv फाइल है वो मेरे लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर डली हुई है। अगर मैं जाऊँ अपने स्टोरेज के अंदर, तो स्टोरेज के अंदर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल रखी है। ठीक है, आई होप कि आपने किसी फोल्डर्स के अंदर सेव कर रखी हो, या आप लाइव वर्क कर रहे हो तो आपके किसी फोल्डर में डली हो। बट ये आपको मेरा पैटर्न फॉलो करना जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, जैसा कि मैं स्टेप्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा CSV कंट्रोलर, हिट किया, रन हुआ और ये कंप्लीट बन चुका। ठीक है, मैं जाऊंगा अपने HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, सॉरी कंट्रोलर्स नॉट मिडलवेयर, एंड देन गाइस इसके अंदर हम यहाँ पर कोड करेंगे। और पहले हम एक राउट सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट, एक राउट बना लेते हैं लाइक मैंने बना लिया स्लैश डेटा नाम का। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने कंट्रोलर को पहले इम्पोर्ट करूंगा ऊपर। तो यूज एप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर्स, एंड देन गाइस यहाँ पर मैं दोबारा से स्लैश लगाऊंगा और CSV कंट्रोलर मेरे कंट्रोलर का नेम है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया कॉपी, एंड देन गाइस नीचे चलता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा CSV कंट्रोलर कंट्रोलर कॉलन क्लास, और मैंने इंडेक्स इसका मेथड कॉल किया। ठीक है, अभी बना नहीं है, बनाना है, सिंपल है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और मैंने बनाया इंडेक्स मेथड। थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ, और अब आप देखिएगा जो मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है वो यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक एरे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे जो CSV में है वो क्या है, यूजर्स का डेटा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो स्टोरेज स्टोरेज ये रहा यूजर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नेम है, ईमेल है, जेंडर है। ठीक है, हमें बेसिकली ये तीनों ही दिखाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक यूजर्स नाम का एक एरे बना लेते हैं, सिंपल अभी एम्प्टी एरे बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, users.csv को। तो आप कैसे कर सकते हैं, और उसे हमें रीड भी करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन बना लेते हैं कि इफ चेक कर लेते हैं कि वहां पर एग्जिस्ट हो रही भी या नहीं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस लगा के चला हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ डॉलर ओपन, एंड देन गाइस एफ ओपन। एफ ओपन जैसा कि आप जानते होंगे, हमें किसी भी फाइल को ओपन करना होता है तो हम यहाँ पर उस फाइल का पाथ देते हैं। ठीक है, तो लाइक मुझे चाहिए स्टोरेज का पाथ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इसके पास पास मेथड होता है, आई थिंक आपने यूज किया होगा लारावेल में, स्टोरेज पाथ नाम का। ठीक है, स्टोरेज पाथ नाम का क्या मेथड है, ये क्या करता है, आपके डायरेक्ट स्टोरेज नाम के मेथड के अंदर चला जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है ये वाला। ठीक है, ये स्टोरेज पाथ के अंदर चला गया, मतलब हमने यहाँ पर जैसे ही मेथड कॉल किया ये इसके अंदर चला गया। अब चला तो गया, हमें इसके अंदर फाइल ढूंढनी है, फाइल किस नेम से है। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मेरी जो फाइल का नेम है वो है क्या, users.csv। ठीक है गाइस, तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, तो मैं डॉट करके कंकैटिनेट कर देता हूँ और मैं आप लेता हूँ users.csv। तो मैंने बोला भाई तुम क्या करो, मेरी फाइल को ओपन करो users.csv जो है। अब जो ओपन करोगे उसको हमें रीड भी करना है। ठीक है, तो रीड के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आर। ठीक है, आई थिंक आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि आर का क्या मतलब है, रीड। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट इक्वल फॉल्स। ठीक है, एंड देन गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके डेटा को रीड करना है, तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप लगा करके हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, डेटा को रीड। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल है, एक और पैरेंथेसिस लगा के डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एक करके लाइंस को रीड करूंगा। तो एफ गेट CSV, आई थिंक आपने बहुत से लोगों ने यूज किया होगा एफ गेट CSV। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी CSV फाइल से डेटा को रीड करता है। ठीक है, और इसमें हमें वो पाथ देना होगा जिस जहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो रही है, तो हमारे इस वेरिएबल के ओपन हो रही है डॉलर ओपन के अंदर,
तो ये कर दिया हमने, एंड देन हम यहाँ पे जो आपके यहाँ पर आपके लाइक मान के चलिए डेलीमीटर जो लगे होंगे, लाइक मैंने कॉमा लगा रखे हैं तो आई थिंक आपके में भी कॉमा होंगे, या आप जो भी कुछ लगाना चाहते हैं लाइक स्लैश लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। फिलहाल में मेरे में कॉमा है तो मैं कॉमा यूज करूंगा, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे नॉट इक्वल इक्वल फॉल्स। एंड देन गाइज हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, जो यूजर्स नाम का हमारे एरे बनाया हमने, एम्प्टी एरे बनाया, इसमें हम क्या करेंगे डेटा को एंटर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करेंगे तो यूजर्स एरे इक्वल टू डॉलर डेटा, क्योंकि हमारा जो है एक लाइन जो है एक लाइन पूरी उठ करके क्या आ गई डॉलर डेटा में। लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाली लाइन उठी होगी पहले नेम ईमेल जेंडर, तो वो उसमें चला गया डॉलर यूजर्स के जीरो वाले इंडेक्स पर, ठीक है। फिर वन पर ये गया, फिर टू पर ये गया और थ्री पर ये गया, सेम ऐसे ही चलता जाएगा और गिड़ करके हमारे इस यूएस नाम के उसमें डालता जाएगा, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, बाय लूप के बाहर आ जाइए एंड देन क्या करना है, आपको फाइल को क्लोज कर देना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ क्लोज और फाइल का जो नेम सॉरी जो ओपन की हुई है, तो हम क्या करेंगे डॉलर ओपन, हमने यहाँ पर क्या कर दिया फाइल को क्लोज। एंड देन गाइस मेरा जो है यहाँ पर सारा काम तो हो गया, अब मेरे को करना क्या है, इफ कंडीशन के बाहर आ जाऊंगा एंड देन गाइस यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ डेटा। तो मैं इको प्री यूज कर लेता हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा ब्यूटीफुल डेटा शो हो, और मैं यहाँ पे प्रिंट आर यूज कर लेता हूँ। प्रिंट आर यूज किया और डॉलर यूजर्स को मैंने शो करा दिया, सिंपल इतना काम था, कोई ज्यादा बड़ा कोड तो है नहीं, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चलता हूँ और थोड़ा ऑप्टिमाइज करूंगा मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन गाइस क्लियर स्क्रीन और PHP आर्टिजन सर्व। एंड देन गाइज मैंने अपना क्रोम तो खोला ही नहीं है, तो क्रोम खोल लेते हैं। तो क्रोम ओपन किया मैंने तो 127/data एंड देन गाइज हिट कर दिया है मैंने, तो देखते हैं हमारा सर्वर रन हो चुका है। एंड देन गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेम ईमेल जेंडर पीयूष कुमार पीयूष, और देख लीजिए जो हमारे यूजर्स में है, लाइक हमारा वाविस तक एंड, ठीक है। तो वाविस पाटिल आ गया, लाइक मैं यहाँ पर एक और एंट्री फिल कर देता हूँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड देन गाइस मैंने इसको कर दिया मेल और इसको मैंने रख दिया लाइक रिसी, एंड देन इसका नाम रख दिया मैंने रिसी मिश्रा, ठीक है गाइस। इतना काम कर दिया, यूजर्स डॉट सी एस वी फाइल को मैंने सेव किया एंड देन हिट अगेन, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसी मिश्रा का भी डेटा आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आज का ट्यूटोरियल काफी पसंद आया होगा, ऐसे ही मैं एक्सपीरियंस चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।